मंदिर का निर्माण, मंदिर के निर्माण की प्रगति और जो संग्रहालय है उसमें अब आगे क्या कार्यक्रम लिया जाना है, इन सभी पर चर्चा होगी। लेकिन आप लोगों को इस बात का हर्ष होगा कि इतनी भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से इस प्रकार कठिनाई जो है जो होनी चाहिए थी या इस कारण से यहाँ आने में संकोच होना चाहिए था वह कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। कल तक की जो संख्या है प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की संख्या 1,75,00,000 से ऊपर जा चुकी है और औसतन 1,00,000 से अधिक लोग दर्शन का लाभ उठाते हैं प्रतिदिन। पूरी उम्मीद है कि इस माह के अंत तक 2 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आकर दर्शन कर सकेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है, प्रगति से संबंधित है मंदिर के, कि मंदिर का प्रथम तल जो कि निर्माणाधीन है वह जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा। जुलाई के बाद केवल जो दूसरा तल है उसका निर्माण कार्य बाकी रहेगा। इस प्रकार हम आशान्वित हैं, पूरी आशा है कि दिसंबर 2024 तक मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। उस निर्माण कार्य में जो लोअर प्लिंथ में राम कथा है वह भी, उसके जो म्यूरल होते हैं जो पत्थरों के हैं वह भी लगाए जा सकेंगे। अपने में यह प्रगति संतोषजनक मानी जाएगी और जो लक्ष्य है कि जुलाई 2025 तक परिसर का निर्माण, मंदिर का निर्माण, अन्य जो भवन हैं उनका निर्माण, यह सभी पूर्ण हो जाएगा। सर, राम दरबार में जो मूर्तियाँ बनी जी, उस मूर्तियों को भी फाइनल कर लिया गया है? कौन जी? हाँ, किस पत्थर से बनेगा? क्या देखिए, सभी मंदिर में जो 7 मंदिर हैं और जो राम दरबार है वह राजस्थान के संगमरमर मार्बल के पत्थर का उपयोग किया जाएगा। 4 स्कल्प्टर्स, उनकी शॉर्टलिस्ट कर ली गई है और एक टेंडर जो है वो घोषित कर दिया गया है। उनसे तकनीकी विवरण और तिथि, जिस तिथि तक वो निर्माण कार्य कर सकते हैं उसका टेंडर इस माह के अंत तक खोला जाएगा और उसके बाद यह निर्णय ले लिया जाएगा कि मूर्तियों का निर्माण किन शिल्पकारों द्वारा होगा। अच्छा जी, परकोटे के अंदर बाहर जो मंदिर बनने थे वो क्या प्रगति है इस समय? परकोटे में 6 मंदिर जो बनने थे सभी पर निर्माण कार्य चल रहा है और उसकी निर्माण की जो व्यवस्था होती है वो कई जगहों पे निर्माण कार्य को खोल दिया गया है और वह लगभग मंदिर के केंद्र को मानते हुए निर्माण कार्य हो रहा है। हम लोग मार्च 2025 तक आशा करते हैं कि मंदिर और परकोटा, मंदिर जो कि परकोटा में है वह सब मार्च 2025 तक पूर्ण हो जाएगा। टीका चंदन को लेकर शिव की बात सामने आ रही है, यह विषय मेरा नहीं है। थैंक यू।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।